आप कैसे बिजनेस की तलाश में हैं? शायद ऐसा कोई बिजनेस जिसमें बहुत अच्छी कमाई हो और जिसमें हम बहुत जल्दी बहुत आगे भी जा सकें। हाँ सर, लेकिन इस तरह के बिजनेस में बहुत सारे खर्चे भी तो होंगे। बड़ा सा ऑफिस चाहिए होगा, इंटीरियर्स, एम्प्लॉयज और बहुत सारे इक्विपमेंट्स, इन सब में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ बिजनेसेस सच में ऐसे होते हैं जिनमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है और कमाई बहुत तगड़ी होती है। ऐसे ही एक बिजनेस के 3 मॉडल्स आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिनमें नाम मात्र की और सिर्फ एक बार की लागत लगनी है। इसके एक मॉडल को तो आप मात्र 2,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ही शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे मॉडल को 15,000 की वन टाइम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, वहीं तीसरा मॉडल तो एक तरह से फ्री ही है, जिसमें कंपनी 2,500 रुपए तो आपको अपनी तरफ से भी दे रही है। इस बिजनेस में अगर कमाई की बात करें तो एक एक कस्टमर से आपको एक एक बार में 1,000, 2,000, 5, 10,000 रुपए मिलेंगे। अब ये सब सुनकर शायद आपको लग रहा हो कि इसमें तो बहुत ज्यादा फिर दौड़ भाग भी करनी होगी या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल करना होगा जिसे सेल करना ही बहुत मुश्किल होगा। तो मैं क्लियर कर दूं कि इस बिजनेस में ना तो आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना है, ना ही इसमें आपको कोई दौड़ भाग करनी है। एक्चुअली आपके पास ढेर सारी सर्विसेज होंगी जिन्हें आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और इसके लिए ना तो आपको किसी ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई इक्विपमेंट्स वगैरह आपको लेने होंगे, जैसे लैपटॉप या कुछ भी। इन्हें आप कहीं से भी या फिर अपने घर से ही सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ही मैनेज कर पाएंगे। इतना सब सुनकर आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि सर, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए अच्छे खासे नॉलेज की भी आवश्यकता होगी, मीन्स एक बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान ही इन्हें शुरू कर पाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल स्मार्टफोन भी ऑपरेट करना जानते हैं तो इतना ही काफी है, क्योंकि सच तो ये है कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स कंपनी को प्रोवाइड करनी है, बाकी सारा का सारा काम कंपनी खुद करके देगी। अब ये सर्विसेज क्या हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, इनकी कितनी डिमांड है, इसमें आपकी कितनी और कैसे कमाई होगी, सब कुछ जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं GST सेवा केंद्र की, जिस पर मैंने पहले से भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन इस वीडियो में काफी कुछ खास होने वाला है। जैसे कि उसमें सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी मॉडल था 15,000 वाला, लेकिन इस वीडियो में मैं 2 और नए और एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें से एक में तो आप मात्र 2,000 रुपए ही इन्वेस्ट करके इनके इंडिपेंडेंट पार्टनर बन सकते हैं, और दूसरे में इनडायरेक्टली आप फ्री में ही इनके एडवांस फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं, जिसमें एक तरह से 2,500 रुपए कंपनी आपको अपनी तरफ से भी देगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरी ये वीडियो देखकर इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर या फिर एडवांस फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा, जिसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि इसी वीडियो में मैं रैंडमली ही कहीं पर वो प्रोमो कोड बताऊंगा जिसे आपको ये डिस्काउंट लेने के लिए अप्लाई करना होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैंने इस कंपनी पर पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने इनकी सर्विसेज और बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये वीडियो खत्म होने पर एंड स्क्रीन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम इन सबके बारे में बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। वैसे अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आगे का थोड़ा सा पार्ट आप यहां पर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे के पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो 2 नए मॉडल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनमें आप कैसे जुड़ सकते हैं, उनमें आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलेंगी, उनमें आपकी कमाई कितनी होगी, ये सब मैं आगे ही बताने वाला हूँ। देखिए, GST सेवा केंद्र के साथ जुड़कर आप 250 से भी ज्यादा बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे किसी भी तरह की नई कंपनी या फिर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, GST में ऑल सर्विसेज, जैसे GST रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न और सब कुछ, इनकम टैक्स में सारी सर्विसेज, इनकम टैक्स रिटर्न, पैन, टैन एप्लीकेशंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट रजिस्ट्रेशंस, मतलब नए बिजनेस का सेटअप करना हो या फिर अपने पुराने बिजनेस को लीगल बनाना हो, हर छोटे से बड़ा बिजनेस करने वाला आपका कस्टमर होगा। इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि एक बार जब कस्टमर आपसे जुड़ता है तो उसको बार बार तरह तरह की सर्विसेज आपसे लेनी ही पड़ती हैं, जैसे कि GST रिटर्न्स हो गया, ऑडिट्स हो गया, ऐसे बहुत कुछ। कुल मिलाकर ये एक बहुत डिमांडिंग बिजनेस है जिसमें कभी कोई मंदी आती ही नहीं है। इसमें कोई शॉप या फिर ऑफिस भी आपको रेंट पर लेने की कोई जरूरत नहीं होती, मैंने पहले ही बता दिया। अब जरा जान लेते हैं कि इसमें आपकी कमाई कैसे और कितनी होगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं,
आप में से ज्यादातर लोग जब कभी अपने बिजनेस का, अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाना हो या फिर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो इसे बहुत बड़ी चीज समझते हैं। आपको लगता है कि इन सभी चीजों के लिए बहुत ज्यादा दौड़भाग करनी होगी, बहुत ज्यादा पैसे खर्चे करने होंगे, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप लोगों की जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसी सर्विसेज इस कंपनी के साथ मिलकर मात्र 200 रुपए में ही बनवा सकते हैं और इसके लिए कोई भी प्रीमियम अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि 1500 रुपए, 2000 रुपए, जो कि मार्केट रेट है। यानी कि एक मात्र जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके ही आप एक कस्टमर से 1800 रुपए का प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये तो बस एक एग्जांपल है, ऐसे ही बिजनेस और फिनांस से रिलेटेड सारी सर्विसेज आपके पास होंगी। अच्छा, मार्केट में तो और कई सारी कंपनीज हैं, फिर क्यों आपको जीएसटी सेवा केंद्र की ही फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? देखिए, इसके कई सारे रीजंस हैं। जैसे इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। जीएसटी सेवा केंद्र की फ्रेंचाइजी एक मोनोपोली फ्रेंचाइजी मॉडल है। अगर आप मोनोपोली फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है नहीं जानते हैं और डिटेल में इन चीजों को समझना चाहते हैं तो जीएसटी सेवा केंद्र पर ही बनी मेरी पिछली वीडियो, जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी, उसे आप देखकर ये चीजें समझ सकते हैं। आपको एंड स्क्रीन पर इसका ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो के खत्म होने पर, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जीएसटी सेवा केंद्र के साथ मिलकर काम करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपका रोल ही बस इतना है कि आप कस्टमर से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें और उसे जीएसटी सेवा केंद्र के पोर्टल पर अपलोड करें, दैट्स इट। बाकी का सारा काम कंपनी खुद करके देती है। और इनका फ्रेंचाइज लॉगिन सिस्टम भी बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, जिससे आप इसे अपने मोबाइल फोन से ही बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। कंपनी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस में भी आपको सपोर्ट करती है। आपको बैनर, स्टैंडी बैनर और विजिटिंग कार्ड्स भी दिए जाएंगे। आइए अब जीएसटी सेवा केंद्र के तीनों फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इनका जो पहला मॉडल है उसका नाम है इंडिपेंडेंट पार्टनर मॉडल। इसमें आप मात्र 2000 रुपए इन्वेस्ट करके ही इनके साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको कोई मोनोपोली नहीं मिलेगी, मींस आपको कोई एरिया नहीं अलॉट की जाएगी, आप रैंडमली ही कहीं से भी कस्टमर्स बना सकते हैं। दूसरा मॉडल वही पुराना मॉडल है, जिसमें आप 15000 रुपए लगा करके इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर बन सकते हैं। इसमें आपको एक स्पेसिफिक एरिया की प्रॉपर मोनोपोली फ्रेंचाइजी दी जाएगी और सारे सपोर्ट्स भी दिए जाएंगे। तीसरा मॉडल सबसे तगड़ा है, इसका नाम है एडवांस फ्रेंचाइजी मॉडल। इसमें आपको 25000 रुपए देने होंगे, लेकिन ये पूरा अमाउंट आपको अपने वॉलेट में बैलेंस के रूप में मिल जाएगा, जिसे आप कंपनी का कमीशन देने में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्लाइंट का जीएसटी बनवाया और उससे आपने 2000 रुपए लिए। अब ये 2000 रुपए पूरे के पूरे आपके हो गए, जो कंपनी का कमीशन है 200 रुपए, वो आप अपने उसी वॉलेट के बैलेंस से ही कटवा सकते हैं। ऐसे ही ये पूरा 25000 का अमाउंट आप यूज कर सकते हैं, मतलब एक तरह से आपकी फ्रेंचाइजी फीस बिल्कुल जीरो हो गई। इसमें भी SATISH10 जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये प्रोमो कोड लगा करके आप 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। मींस आपको 25000 की जगह सिर्फ 22500 रुपए देने होंगे और आपके वॉलेट में पूरे के पूरे 25000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 2500 रुपए कंपनी आपको अपनी तरफ से भी देगी। यही प्रोमो कोड लगा करके आप 15000 रुपए वाली फ्रेंचाइजी को भी मात्र 13500 रुपयों में ही ले सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए वाले इंडिपेंडेंट पार्टनर मॉडल में ये कोड काम नहीं करेगा। जीएसटी सेवा केंद्र के ये तीनों ही बिजनेस मॉडल हमेशा के लिए लाइव रहेंगे, लेकिन जो प्रोमो कोड पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, ये आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव है और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अगर आप अपना कोई सीएससी सेंटर चला रहे हैं या फिर कोई ऑनलाइन या फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। या फिर किसी भी तरह के दुकान वाले अपनी दुकान में ही एक एक्स्ट्रा काउंटर सेटअप करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप पूरी तरह से बेरोजगार भी हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाला समय बिजनेस का ही है, हर किसी को अपना बिजनेस करना है। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा एफर्ट दिखाकर एक बार अपने साथ कुछ क्लाइंट्स को जोड़ ले गए तो आपकी इनकम हमेशा के लिए होती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनके फ्रेंचाइजी फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर फिल कीजिएगा। वहीं पर आपको इनकी वेबसाइट भी मिल जाएगी, आप वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए वो प्रोमो कोड जरूर लगाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। जीएसटी सेवा केंद्र के बारे में डिटेल में सब कुछ जानने के लिए इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।